मैं डॉक्टर मंजू सुंदरियाल आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इससे पहले भी जीविकोपार्जन से संबंधित कई विषयों पे आप लोगों को जानकारी दे चुके हैं। आज जो एक महत्वपूर्ण विषय पे वो आपको यहाँ पे बहुत ही मुख्य, मतलब जिसको कि हम बहुत ही उपयोगी जानकारी है, एनर्जी प्लांटेशन फॉर लाइवलीहुड इन हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड, उसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पे बताएंगे कि एनर्जी प्लांटेशन क्या होता है। हमारे उत्तराखंड में जैसे कि आपने देखा होगा कि महिलाएं अपने फ्यूल कलेक्शन के लिए या ईंधन के कलेक्शन के लिए कई दूर तक उन्हें पैदल जाना पड़ता है सुबह से शाम तक, और ऊपर से उनके ऊपर काम का भी, दिन भर के काम का, कई और भी घर के काम काज में उसका बोझ होता है। तो इसमें सर जो बताएंगे कि अगर हम कुछ इस तरह की पौधों की प्रजातियों को वो अपने खेतों में भी लगाएं जिससे कि उनका वर्कलोड कम हो सकता है, तो इसके बारे में वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, वह किस ड्यूरेशन में उनको लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इस सब के बारे में सर आपको पूरा से जानकारी यहाँ पे देंगे। सर हम स्टूडियो में आने के लिए आपका स्वागत करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप एनर्जी प्लांटेशन जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू डॉक्टर मंजू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, हम ये विज्ञान प्रसार और प्रचार की श्रृंखला में आज जो टॉपिक हमने लिया है वो एनर्जी प्लांटेशन पे। हम सब लोग जानते हैं कि पहाड़ों में महिलाएं घास और लकड़ी के कलेक्शन के लिए अपना काफ़ी समय व्यतीत करती हैं और इसके लिए उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, और फिर चढ़ाई और उतराई में जो हैवी है लोड्स हैं उनको कैरी करना पड़ता है, इससे काफ़ी समय उनका इसमें जाहिर होता है। अगर हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि कुछ फास्ट ग्रोइंग जो हमारी प्रजातियां हैं पेड़ों की, उनको अगर हम गांव के आसपास, खेतों के आसपास या जहां पर भी हमारे पास रोड साइड में जगह खाली है अगर वहां पर हम उनको लगाते हैं, और अगर हम खाली फ्यूल और फॉडर की जो हमारी दो मुख्य आवश्यकताएं हैं माउंटेन्स में या पहाड़ों में, अगर उसका पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भी उसमें कुछ योगदान हो सकता है, तो काफ़ी हम अपनी महिलाओं की डिजरी कम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि पहाड़ों में काफ़ी पलायन हो रहा है, इसकी वजह से बेरोजगारी एक इसका एक मुख्य वो है, जो है इसको आंकने का एक मुख्य नज़रिया है, और इसमें कैसे हम एनर्जी प्लांटेशन से उनकी इनकम को बढ़ाएं, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। क्योंकि पेड़ों की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि एक बार लगा दें तो फिर उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं आता है, दूसरा ये है कि पर्यावरण भी हमारा शुद्ध होता है, और तीसरा जो है वो हमको उससे पैसे मिल सकते हैं, अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक होगा। दोस्तों, एनर्जी आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत प्रायोरिटी कंसर्न है, प्रायोरिटी कंसर्न इन द सेंस कि आज जो आर्थिक समृद्धता है उसका मूल्यांकन काफ़ी हद तक एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा से भी आंका जाता है। इट इज़ ऑन नॉट ओनली द मनी बट इट इज एनर्जी ऑल्सो विच इज कंसिडर्ड एज ए पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक एफ्लुएंस। आप इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस से इसलिए जोड़ पाते हैं कि जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें एनर्जी कंजम्पशन उतना ही अधिक है, तो इसलिए उसको एक वेल बीइंग का या एक प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर माना जाता है। एनर्जी जो कंजम्पशन है वो इंडिया में पर कैपिटा बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू एनी डेवलप्ड वर्ल्ड।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, एनर्जी या ऊर्जा या पावर जिसको हम कह सकते हैं, वो अपने जीवन को चलाने के लिए और समृद्धि के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। हम स्लाइड जिसमें आप देख रहे हैं, ये डेटा थोड़ा पुराना है, बट इसमें आपको जो एनुअल बायोमास प्रोडक्शन रेंज है टन पर हेक्टर पर ईयर, इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा है, जिसमें कि लगभग 10 to 35 टन पर हेक्टर पर ईयर है। टेम्परेट फॉरेस्ट आपका 6 to 25 टन पर हेक्टर, बोरियल फॉरेस्ट का है 4 to 20, सबाना इज अराउंड 2 to 20 टन पर हेक्टर पर ईयर, ग्रासलैंड्स इज ऑलमोस्ट सेम, टुंड्रा जो हमारा ठंडे इलाके हैं उसमें 0.1 to 0.4 टन पर हेक्टेयर, और डेजर्ट में 0.2 to 2 हेक्टेयर, एंड जो कल्टीवेटेड लैंड हमारी है इसमें 1 to 10 टन पर हेक्टेयर। ये बायोमास के जो है रेटिंग्स हैं या बायोमास का जो डेटा है, ये वाइटेकर एंड लिंक्स 1975 का डेटा है। इसे हम ये देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमारे हैं वो सबसे प्रोडक्टिव है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बायोमास का है, और उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट भी चूंकि हमारे काफ़ी डेंस है इसलिए उसका प्रोडक्शन भी ठीक ठाक ही है, कंपेरेटिवली इज ओके। तो ये एक सिनेरियो है एनर्जी प्रोडक्शन का बायोमास के फॉर्म। अब एक यदि हम छोटा सा, ये सुधा एंड रविंद्रनाथ पेपर है 1999 का, इसमें ये दिखाया गया है कि अगर हम स्पेसिंग 0.6 to 2 बायोमास प्रोडक्शन अंडर एनर्जी प्लांटेशन है, इसमें 3 स्पेसीज का डेटा ओपी टोकी एंड भी सिंह ने दिया है, और उसके बेस पे उन्होंने ये कहा कि यदि स्पेसिंग हम 0.6 into 0.6 मीटर रखते हैं एंड 4 इयर्स का अगर हम रोटेशन रखें, तो जो ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेरा है, जो सुबबूल है, उसका लगभग प्रोडक्शन आता है 33 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। इक्लिप्टस टैटिकॉर्निस विच इज अगेन अ वेरी गुड एनर्जी फास्ट ग्रोइंग स्पेसिस, उसका आ रहा है 29 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, और एकेशिया निलोटिका का है 13 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। तो इसलिए जो है एवरेज बायोमास प्रोडक्टिविटी इंडिया की जो है वो रेंज कर रही है बिटवीन 2 to 17 टन पर हेक्टेयर पर ईयर अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। दिस इज अगेन रिफर्ड बाय सुधा एंड रविंद्रनाथ 1999। इसके अलावा जो मिनिमम प्रोडक्टिव पर है प्रोडक्टिविटी है फॉरेस्ट की पर हेक्टेयर पर ईयर इन उत्तराखंड अंडर एनर्जी प्लांटेशन इज अराउंड 2 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, बिकॉज वी हैव स्लोपी लैंड और जो है इरीगेशन इज वेरी लेस, सॉइल कंडीशंस आर पुअर। सो ये जो जनरल हमारी बायोमास प्रोडक्टिविटी रेंज करती है वो लगभग 8 टन से 20 टन है, पर हमारे जो उत्तराखंड में है वो हम लगभग 2 टन पर हेक्टेयर पर ईयर मान के चलते हैं। ये डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसीज, सॉयल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर सॉयल अच्छी है, एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छे हैं, फास्ट ग्रोइंग स्पेसीज है, तो इट मे बी मोर। हमारे पास एनर्जी प्लांटेशन के लिए लगभग 12,93,000 हेक्टेयर जमीन है, और अगर हम मिनिमम 2 टन पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से भी प्रोडक्शन माने, तो हम एनर्जी प्लांटेशन को अगर हम लगाएं और पूरे एरिया को कवर करें, तो हमारा लगभग 25,86,000 टन पर ईयर हम जो है वो लकड़ी पैदा कर सकते हैं। और जिसकी कॉस्ट यदि हम 2 रुपये पर किलो भी लगाएं, जो कि 4 से 5 रुपये है पर केजी जो फ्यूल वुड है, पर बियर मिनिमम भी अगर हम इसको 2 रुपये पर किलो या 2,000 रुपये पर टन के हिसाब से भी लगाएं, तो लगभग हमारा 517 करोड़ रुपए के लगभग हम
इससे हर साल कमा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी प्लांटेशन एक बहुत अच्छा पोटेंशियल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फॉर रूरल पुअर्स। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि आप ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन करें कि जिसको ना जंगली जानवर नुकसान करते हों, ना डोमेस्टिक एनिमल नुकसान करते हों, और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है। अगर हम फॉडर वाले भी, जैसे ल्यूसिनिया लिक्विड से पहला है, ये ऑस्ट्रेलिया से फॉडर के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ वीट, जगह जगह खूब होता है और बहुत फास्ट ग्रोइंग है। और जैसे हमने आपको डेटा दिया कि लगभग 33 टन पर हेक्टेयर पर ईयर ये इसकी प्रोडक्टिविटी है, विच इज़ वेरी हाई। तो ऐसी कई प्रजातियां हैं, और इसमें कुछ ऐसी प्रजातियों जैसे कि मैं कहूँगा कि इसमें जैसे मोड़ा सेल्वा है, जो सैतूत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रजाति है। ये जो है बहुत अच्छा फ्यूल भी है, बहुत अच्छा फॉडर है, बहुत अच्छा जो है वो स्मॉल टिम्बर है, जिसका कि हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत इसका इस्तेमाल है, उसके हैंडल्स के लिए, और इससे हॉकी और बैट भी इसे बनते हैं। हॉकी में पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल होता है। इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। इसमें जो है फ्रूट का जो है लीवर टॉनिक भी जो है वो बनता है, हम लोग भी इसको खाते हैं। आजकल इसकी कई प्रजातियां ऐसी हैं जो कैटकिन लगभग 2 इंच लंबे हैं, और बहुत अच्छा फ्रूट ये विद फुल ऑफ शुगर एंड विटामिन इसका है। तो मोरोसेल्वा और इससे सैतूत के कीड़े भी हम पाल सकते हैं। तो कई तरह से सैतूत, हालांकि इस पे हम एक अलग दिन इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे कि कैसे एक बहुत ये कल्प वृक्ष के रूप में है, और अगर हम इसको मास प्लांटिंग करें तो इससे कितनी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। आजकल मोरोसेल्वा में चाय भी जो है वो मलबरी टी के नाम से आ रही है, और सैतूत का जो है वो मलबरी तो है ही है, मलबरी जो मेन होस्ट प्लांट है इसका, जो मलबरी सिल्क का। तो ये कई तरह से हमको इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल बेनिफिट दे सकता है। ये जो टेबल आपको दिखाई गई है, इसमें मेनली एनर्जी प्लांटेशन ट्री स्पेसीज के नाम हैं जो कि उत्तराखंड के लिए रिकमेंड किए गए हैं। इसमें डलबर्जिया सिसु है, सीसम, जो कि नीचे इलाकों में बहुत अच्छा होता है, रिवर साइड में बहुत अच्छा होता है, और बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत अच्छा फॉडर है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है, तो सॉइल कंडीशंस भी बहुत अच्छी करता है लेग्यूमिनस होने की वजह से। मोड़ा सेल्वा के बारे में मैंने, सैतूत के बारे में अभी बताया। अकेशिया निलोटिका जो बबूल है वो नीचे और सूखे खराब इलाकों में लगाया जा सकता है। एडिना कॉर्डिफोलिया हल्दू है, ये खूब होता है ड्राई कंडीशंस में। ल्यूसिना लिको से पहला सुबहूल है, जो कि इम्पोर्टेड एक इंट्रोड्यूस्ड स्पेसीज है। टर्मिनेलिया आर्जुना, जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन है और हमारी जो रिवराइन साइट्स हैं उसमें अर्जुन बहुत अच्छा ट्री है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, अच्छा फॉडर भी है, और ये मेडिसिनल ट्री भी है। मिलिया आजादी रखता बखैन जो है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है, और रूफिंग में टिम्बर के रूप में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और इसकी टिम्बर चूँकि ये नीम से की प्रजाति का पौधा है, तो इसका जो वो लकड़ी है उसमें दीमक वगैरह का अटैक नहीं होता है, और बहुत फास्ट ग्रोइंग होने की वजह से बड़ा अच्छा फ्लोरिंग है, फॉडर भी है। और जो है आजकल मिलिया का कंपोजिटा जो बर्मा ड्रेक के नाम से आ रहा है, वो एनर्जी प्लांटेशन में जगह जगह हरियाणा पंजाब यूपी में लगाया जा रहा है, और ये 4,500 फीट तक जो है बहुत अच्छा चलता है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है। ये भी इंट्रोड्यूस्ड मिलिया कंपोजिटा स्पीसीज है, बकैन की तरह का है। इकलिप्टस की कई प्रजातियाँ हैं, मेनली टैटिकॉर्निस है, कमांडोलेंसिस है, जो कि सफ़ेदा जिसको हम कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड है इंडिया में, और काफ़ी हद तक हमारे एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में लगाया जाता है, बहुत अच्छा फ्यूल वुड है। हम जब देखते हैं हरिद्वार में आप क्रीमेशन के लिए जाते हैं
तो ज्यादातर लकड़ी जो है वो इकलिप्टस की आपको मिलती है। पाइनस रॉक्सबर्ग का चीड़ पाइन जो है ये भी बहुत अच्छी प्रजाति, और हम सब इसके बारे में जानते हैं। पहाड़ों में तो लकड़ी चीड़ मिलती है ऊपर, तो ये भी रीजनरेशन इसका खुद बहुत फास्ट है, और ये भी स्पेसीज इसमें रखी गई है। टुना सिलियाटा है, टुन जो है बहुत अच्छा टिम्बर भी है और फ्यूलूट भी है। क्वेरकस ल्यूकोटा एकोफोरा बांझ जो है वो मल्टीपर्पज ट्री है, जो कि बहुत अच्छा फ्यूलूट ही नहीं फॉर्डर भी बहुत अच्छा है, और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से भी इसकी बहुत ज़्यादा है। मोरस सिलाटा ऊपर जिसको हम केमू कहते हैं वो होता है, नीचे तो मोरस अल्बा है, ऊपर मोरस सिलाटा है पहाड़ों में। इसके अलावा एलनस नेबालेंसिस जो उतीस है, हालांकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है पर बहुत फास्ट ग्रोइंग है, और ऊपर जो हमारे डिग्रेडेड स्लोप्स हैं जो लैंडस्लाइड्स हैं उस पर बहुत अच्छा आता है। सैलिक सेल्वा जो है वो मजिनू जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पेसीज है, बहुत अच्छा फॉर्डर है, वेरी फास्ट ग्रोइंग, और इसकी टिम्बर जो है मल्टीपर्पज़ है। तो इस तरह की ये कुछ प्रजातियाँ बताई गई हैं यहाँ, जिसमें कि हमने जो है वो काम किया है, और इसमें हम इनको रिकमेंड करते हैं। ये जो टेबल है ये FRI की एक स्टडी है जो गुजरात में की गई है, और इसके हिसाब से जो तीन तरह के इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक तो यह यूटिलाइजेबल बायोमास, नॉन यूटिलाइजेबल बायोमास और टोटल बायोमास, ये तीन 3 इयर्स स्टडी है, और ये गुजरात में बायोमास एनर्जी प्लांटेशन के अंतर्गत ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये जो रिजल्ट है ये डिफरेंट स्पेसीज जिसमें कि एकलिप्टस है, एलबीजिया लिबैक है, डलवर्जिया सिसु है, एकेसिया निलोटिका है, केसिया सैमिया है, केसिया टॉर्टलिस है, एंट्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है। तो ये जो हमने 2, 2, 4, 6, 7 स्पेसीज जो मुख्य प्रजातियां हैं इस पे काम किया गया है, इसमें यूटिलाइजेबल बायोमास, नॉन यूटिलाइजेबल बायोमास और टोटल बायोमास कितना उसमें फॉर्म हुआ। तो जो यूटिलाइजेबल बायोमास था वो अपर शोर पोर्शन था, और उसमें मेनली लीफ को नहीं लिया गया था, उसमें स्टेम ब्रांचेस को लिया गया था, और नॉन यूटिलाइजेबल बायोमास में लिटर प्लस जो रूट जो हम स्टम्प छोड़ देते हैं जमीन के नीचे वो वाला पार्ट था। तो इसमें लगभग आप देख रहे हैं कि जो इकलिप्टस है, इकलिप्टस में करीब 43 टन पर हेक्टेयर पर ईयर जो है इन 3 इयर्स, सॉरी 3 इयर्स में इसका प्रोडक्शन लगभग 43 टन जो है वो टोटल बायोमास आया। तो इसी हिसाब से अगर इसका 1/3 कर दें तो ये पर ईयर आपका आ जाएगा, तो टोटल बायोमास इसका लगभग 66 टन था, तो लगभग आप 22 टन पर हेक्टेयर पर ईयर आप टोटल बायोमास लगा सकते हैं। ऐसे ही जितनी भी हमारी ये डेटा है इसमें डलवर्जिया सिसु का बहुत हाई जो है वो बायोमास फॉर्मेशन हुई है, लगभग 114 टन इन 3 इयर्स, विच कम्स अराउंड 40 टन से कम, लगभग 36 टन जो है 36-37 टन पर हेक्टेयर पर ईयर डलवर्जिया सिसु ने शो किया है। तो ये जो डेटा है ये शो करता है कि हमारी स्पेसीज बायोमास फॉर्मेशन में बहुत पोटेंशियल इसका है। इस तरह से हम अब ये थोड़ा सा इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके न्यू एरियाज हैं। जब बायोमास एनर्जी हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है या इतना हमको देती है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड है उसके 10 टाइम्स जो है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ बायोमास हर साल जो है वो कन्वर्ट होती है, तो क्यों हमको एनर्जी क्राइसिस हो रहा है? कांट वी यूज दैट एनर्जी, और वी डोंट हैव द इनफ
technologies available to convert that biomass energy into usable energy? And what are the important fields where we are working on using the biomass energy or conversion of biomass energy into usable energy? इसमें कुछ आपने नाम सुने होंगे जिन जिन फील्ड्स में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है. दिस स्लाइड शोज ऑन विच फील्ड्स वी आर वर्किंग ऑन बायोफ्यूल्स और बायो एनर्जी. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बायोडीजल. यू माइट हैव हर्ड नाउअडेज दैट वी आर ग्रोइंग बायोडीजल ऑन द प्लांट्स. आवर प्लांट्स स्पेशली this Jatropha carcass. Jatropha carcass is a biodiesel plant which has been established all over the country for this biodiesel. और इसमें लगभग 30% ऑयल होता है इसके सीड में जिससे कि गाड़ियाँ चलती हैं. तो हालांकि ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेस पे है और बायोडीजल के फॉर्म में इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है. फिर बायो इथेनॉल की बात होती है विच वी नो ऑल कि जो है बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल जिसको कि हम जो एल्कोहलिक बीवरेज जितनी भी शराबें हैं उनको बनाने में इथेनॉल का इस्तेमाल होता है. और इथेनॉल को जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर व्हीकल्स रनिंग व्हीकल्स उसमें भी खोजें हो रही हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाए. क्योंकि अभी तक तो हम जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जनरली अपने एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए कर रहे हैं. पर फ्यूचर में जब इसकी टेक्नोलॉजी और रिफाइंड हो जाएगी तो हम जो बायो इथेनॉल है जो कि C2H5OH है वो जो है हम अपने डायरेक्ट जो ग्लूकोज है या शुगर है उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो फर्मेंटेशन है इसकी क्रिया द्वारा हमारे ये इथेनॉल बनता है. या ये जो जितने भी और सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये बनते हैं. ग्रीन डीजल की या जो बात करते हैं वो वेजिटेबल ऑयल है जो कि हम खाते हैं. दैट इज ऑल्सो एनर्जी. जितना भी आपके डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल ऑयल आ रहे हैं उसको उससे हम खाते भी हैं, उसको बर्न भी करते हैं और कई रूप में उसका इस्तेमाल होता है. वो भी वेजिटेबल ऑयल है. इवन बायोडीजल इज ऑल्सो वेजिटेबल ऑयल. एल्गल बायोफ्यूल की टेक्नोलॉजी इस पर काम हो रहा है क्योंकि एल्गी जो है वो कम से कम सी एल्गी बहुत ज़्यादा है हमारे पास. फ्रेश वाटर एल्गी भी आपने सुना होगा देखा होगा कई लेक्स में हमारे बहुत एल्गी जो है वो पाई जाती है. तो उसको कैसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करें वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है. और बायो बिटेनॉल जो है वो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो बिटेनॉल बन रहा है उसमें प्लांट्स मिलती हैं. बायो हाइड्रोजन, बायो केमिकल्स, फ्यूल सेल्स ये सब इन चीज़ों पे आजकल रिसर्च हो रही है. और इसको एनर्जी का एज ए गुड ऑप्शन ऑफ एनर्जी कैसे डेवलप किया जाए इस पे काम हो रहा है. ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये जो सैलिक्स एल्वा का एनर्जी प्लांटेशन है क्लोज स्पेसिंग में सैलिक्स एल्वा जो मजनू है वो लगाया गया है. दूसरी स्लाइड में जो लेडीज हैं वो माउंटेन्स में क्वार्कस का प्लांटेशन कर रही हैं चील पाइन के फॉरेस्ट में ब्रॉडली ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का फ्यूल वुड और पाउडर मिल सके. ये टुना सिलियाटा टून का जो है एनर्जी प्लांटेशन है. एल्नस नेपालेंसिस का एनर्जी प्लांटेशन आपको दिखाई दे रहा है. इक्लिप्टस प्लांटेशन विच इज एनर्जी प्लांटेशन ऑल्सो. एकेशिया निलोटिका एनर्जी प्लांटेशन इन क्लोज स्पेसिंग. ये जो है डलवरिया सिसु का गुजरात की फोटोग्राफ है एनर्जी प्लांटेशन में कैसे पूरी कैनोपी जो है आपस में मिली हुई है बिकॉज ऑफ क्लोज स्पेसिंग. ये मोडस एल्वा का शहतूत का एनर्जी प्लांटेशन है जो आप स्लाइड में देख रहे हैं. मिलिया आजादी रख जो हमारा बकेन है उसका एनर्जी प्लांटेशन लगा हुआ है.
जिसमें जो है वो क्राउन पूरा मिला हुआ है। ये जो है पहाड़ों में हम लोग लकड़ी इकट्ठी करके अपना फ्यूल के लिए हाइप बना के रखते हैं विंटर्स के लिए। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन कि ये जो एनर्जी प्लांटेशन हमारा है इट कैन डेफिनेटली बी अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि आज क्रिमेशन के लिए ही हमको बहुत लकड़ी चाहिए और लकड़ी हमारी जो है जंगलों से हम काट नहीं पाते हैं। तो अगर ये एनर्जी प्लांटेशन हम लगाएं तो हम डायरेक्ट 4 से 5 रुपए पर केजी हमको लकड़ी का पैसा मिल सकता है। और जैसे हमने बताया कि 1 हेक्टेयर में लगभग 25 से 30 टन तक हो सकता है। अगर हम कम से कम भी उसमें उत्पादन लेते हैं तब भी हमारा लगभग 2 से 5 टन पर हेक्टेयर बिल्कुल मरी हुई सॉइल में भी हो जाता है। तो अगर 2 से 5 टन का हम लगभग 3 या 4 टन औसत लगाएं तो 3-4 टन का कीमत भी हमारा लगभग 2 रुपए पर किलो के हिसाब से भी 8-10 हज़ार रुपए हमारे पास आराम से आ सकते हैं किसान को। और उसको जो है शुद्ध लाभ इतना होगा क्योंकि वो उसमें मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। और एक इसमें जो पॉइंट आता है वो ये है कि किसान को उसके हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट की परमिशन जो है वो डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। ये एक पॉलिसी डिफॉल्ट है कि हमको जो है पेड़ काटने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पर इसमें ये हो सकता है कि एनर्जी प्लांटेशन में क्योंकि शॉर्ट रोटेशन है 3-4 और 5 साल के अंदर वो छोटा ही पेड़ रहता है पोल स्टेज में हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो पोल स्टेज वाली क्रॉप को जो है वो गवर्नमेंट अलाउ करे, फार्मर्स को जो है गवर्नमेंट प्लांटेशन के लिए प्रमोट करे, तो हम अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं और अपने हिमालय को जो है वो बचा सकते हैं, उसका इन्वायरमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी इकोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम भी एनर्जी प्लांटेशन के साथ साथ हो सकता है। तो आप बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसे एनर्जी प्लांटेशन हमारी लाइवलीहुड के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए और हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आज की टॉक यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।